मूवी शुरू होती एक सीक्रेट बेस से, जहां म्यूटू नाम के पोकेमोन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तभी वहां शॉर्ट सर्किट होता है और म्यूटू अपनी पावर से खुद को आजाद करा लेता है। वो वहां से जा रही एक गाड़ी पर हमला करता है जो उसी बेस से निकली थी। आगे दिखाते हैं जैक नाम का एक लड़का अपने फ्रेंड टिम को पोकेमोन पकड़ने के लिए कहता है। टिम मना करता है लेकिन जैक उसे मना लेता है और उसे एक पोकेबॉल देता है। टिम पोकेबॉल से एक क्यूबोन को पकड़ लेता है लेकिन वो बॉल तोड़कर बाहर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। आगे टिम को रैम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके पिता हैरी का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें वो मारे गए हैं। अगले दिन वो ट्रेन से रैम सिटी जा रहा होता है। यहाँ पता चलता है कि रैम सिटी हॉवर्ड क्लिफर्ड नाम के इंसान ने बसाई थी और ये बाकी शहरों से अलग था। यहाँ पोकेमोन्स को बॉल में नहीं रखा जाता था बल्कि वो इंसानों के साथ मिलकर रहते थे और यहाँ कोई पोकेमोन्स की फाइट या ट्रेनिंग नहीं होती थी। टीम ये देखकर हैरान होता है कि यहाँ पोकेमोन्स लोगों के साथ मिलकर शहर को चलाने में हेल्प करते हैं। वो लेफ्टिनेंट योशिडा से मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अपनी माँ के गुजर जाने के बाद टीम ज्यादातर अपनी नानी के साथ रहता था और उसके पिता उसे समय नहीं दे पाते थे इसलिए उसकी अपने पिता से नहीं बनती थी। टीम पोकेमोन ट्रेनर बनना चाहता था लेकिन सपोर्ट न होने की वजह से नहीं बन पाया। मिस्टर योशिडा टीम को उसके पिता के फ्लैट की चाबी देते हैं और उसे बताते हैं कि उसके पिता उसे हमेशा याद करते थे और वो टीम से बहुत प्यार करते थे। टीम अपने पिता के फ्लैट में पहुंचता है और उनके पोस्ट बॉक्स देखता है। तभी उसे वहां साइडक नाम का एक पोकेमोन दिखता है। ये पोकेमोन लूसी नाम की लड़की का होता है जो एक जूनियर रिपोर्टर है और टीम से उसके पिता की अचानक हुई मौत का कारण पूछती है। टीम उसे इग्नोर करके अपने पिता के फ्लैट में चला जाता है। फ्लैट में पहुँचने पर उसे एक शीशी में पर्पल कलर की गैस दिखती है। जैसे ही वो उसे खोलता है वो गैस पूरे कमरे में फैल जाती है। टीम गैस को खिड़की से बाहर निकाल देता है जहां एपोम नाम के पोकेमोन्स उसे सूंघते ही अग्रेसिव हो जाते हैं। तभी टीम को अंदर से कुछ आवाज आती है और देखने पर उसे वहां एक पिकाचू दिखता है जिसने एक हैट पहनी होती है। पिकाचू टीम से इंसानी भाषा में कुछ कहता है और टीम ये देखकर हैरान हो जाता है कि पिकाचू इंसानों की भाषा कैसे बोल रहा है। तभी एपोम खिड़की से अंदर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वो लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं और एक पाइप से होते हुए मार्केट में पहुंचते हैं। थोड़ी देर में एपोम से गैस का असर खत्म हो जाता है और वो नॉर्मल हो जाते हैं। टीम वहां आते जाते लोगों को बताता है कि पिकाचू इंसानों जैसे बात कर रहा है लेकिन बाकी सब लोगों को सिर्फ पीका पीका सुनाई देता है। इससे यह पता चलता है कि सिर्फ टीम ही पिकाचू से बात कर सकता है। यहाँ टीम को पिकाचू की कैप से पता चलता है कि वो उसके पिता का ही पोकेमोन है और पिकाचू के एक्सीडेंट के बाद से याददाश्त चली गई है। वो दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पिकाचू कहता है कि हैरी की डेड बॉडी नहीं मिली है और हो सकता है कि वो अभी जिंदा हो और टीम से हैरी को ढूंढने को कहता है। अगले दिन टीम सोकर उठता है तो देखता है कि पिकाचू ने सुराग खोजने के लिए पूरा कमरा तहस नहस कर दिया है। टीम क्लू ढूंढने के लिए रिपोर्टर लूसी से मिलने जाता है जो एक स्टूडियो में होती है। वहां देखते हैं हॉवर्ड अपने बेटे रोजर से लड़ रहा होता है। टीम लूसी को वो बोतल दिखाता है जिसमें पर्पल गैस थी। बोतल देखकर लूसी उसे बताती है कि ऐसी ही बोतल्स उसने डॉक्स पर भी देखी थी और उसे वहीं जाने को कहती है। वो यह भी बताती है कि वहां खतरा हो सकता है। टीम पिकाचू के साथ डॉक्स पर पहुंचता है और वहां उसे एक मिस्टर माइंड पोकेमोन दिखता है। उससे पूछताछ करने पर वो उन्हें एक जगह के बारे में बताता है जहां पोकेमोन की इलीगल फाइट्स होती है और उसे वहां ये पर्पल गैस भी मिल जाएगी। वो लोग उस अरीना में जाते हैं। वहां एक लड़की उन्हें देखकर किसी को मैसेज भेजती है। तभी वहां का मालिक पिकाचू को देखता है और टीम के पास आता है। उसकी बातों से पता चलता है कि पिकाचू यहां पहले हैरी के साथ आया था और उसने यहां के मालिक के चैरिजार्ड को हरा दिया था। वो आदमी उनसे दोबारा मैच करने को कहता है और टीम मान जाता है। फाइट से पहले वो आदमी अपने चैरिजार्ड को वही पर्पल गैस सुंघाता है जिससे वो और अग्रेसिव हो जाता है और फाइट में पिकाचू को मारने की कोशिश करता है। यहाँ पिकाचू याददाश्त जाने की वजह से अपने अटैक भूल जाता है। पिकाचू को बचाने के लिए टीम रिंग में आ जाता है और उसके पीछे चैरिजार्ड का मालिक भी। वहीं लड़ाई में वो गिर जाता है और उसके कोट में से सारी गैस की बोतल टूट जाती है और पूरी रिंग में गैस फैल जाती है जिससे वहाँ आए सभी पोकेमोन्स बेकाबू हो जाते हैं। वो लोग बाहर निकलते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। टीम योशिडा को बताता है कि शायद उसके पिता जिंदा है क्योंकि पिकाचू भी उस एक्सीडेंट से बच गया था। योशिडा उसे उसके पिता की क्रैश की वीडियो दिखाते हैं जो कि बहुत ही भयानक था और किसी को उस क्रैश में बचना नामुमकिन है। यह देखकर टीम और पिकाचू उदास हो जाते हैं। तभी वहाँ अरीना वाली लड़की आती है और उन्हें अपने साथ हॉवर्ड के पास ले जाती है। हॉवर्ड टीम को बताता है कि उसके पिता हैरी उसके लिए काम करते थे और इस पर्पल गैस के बारे में जाँच कर रहे थे। जाँच में पता चला था कि हॉवर्ड का बेटा रोजर इसके पीछे था। यहाँ वो टीम को बताते हैं कि उसके पिता हैरी अभी जिंदा है। आगे वो उसे उसके पिता की एक्सीडेंट की होलोग्राफिक वीडियो दिखा
दिखाता है जिसमें उसके पिता जिंदा होते हैं। तभी एक जेनेटिकली चेंज म्यूटू वहाँ आता है और पिकाचू की याददाश्त मिटा देता है और टीम के पिता को ले जाता है। होवर्ड टीम को म्यूटू को ढूंढने को कहता है। आगे लूसी टीम को बताती है कि उसने रोजर की पर्सनल फाइल से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और वो उसे एक लैब के बारे में बताती है जहाँ पोकेमोन्स पर एक्सपेरिमेंट होते थे और टीम के पिता के एक्सीडेंट के बाद उस लैब को बंद कर दिया था। वो लोग सच्चाई का पता लगाने उस लैब में जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि बहुत सारे पोकेमोन्स कैबिन्स में बंद होते हैं। यहाँ दूसरी तरफ रोजर कैमरा में उन्हें देख रहा होता है और वो वहाँ कंप्यूटर से पोकेमोन के कैबिन्स को खोल देता है। टीम कंप्यूटर की मदद से देखता है कि यहाँ म्यूटू पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था और जो पर्पल गैस उसने देखी थी वो म्यूटू से ही बनाई गई थी। यह लोग उसे इंसानी ब्रेन से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी म्यूटू यहाँ से भाग निकला था। तभी वो देखता है कि ग्रेनिंजा नाम के पोकेमोन ने लूसी को पकड़ लिया है। वो उसे छुड़ाकर लैब से बाहर ले जाते हैं लेकिन ग्रेनिंजा उनका पीछा करते हैं। तभी साइडक अपनी शक्ति से उन्हें वहाँ से भगा देता है। तभी अचानक धरती फटने लगती है और जमीन ऊपर उठने लगती है। उन्हें पता चलता है कि यह कोई जंगल नहीं है बल्कि टोटेरा पोकेमोन है जिसे जेनेटिकली चेंज करके उसके साइज को बहुत बड़ा कर दिया है। यह लोग नदी में गिर जाते हैं जिससे पिकाचू घायल हो जाता है। तभी वहाँ एक बल्बासोर आता है और टिम उससे मदद मांगता है लेकिन वो चला जाता है। पर थोड़ी देर में वो अपने जैसे बहुत सारे बल्बासोर को लेके आता है और टिम और पिकाचू को अपने साथ एक पहाड़ी के पास ले जाता है। यहाँ टिम को म्यूटू दिखता है और उसे लगता है कि वो पिकाचू को मार देगा लेकिन वो पिकाचू को ठीक कर देता है। टिम म्यूटू से अपने पिता के बारे में पूछता है। तभी म्यूटू उसे एक विजुअल दिखाता है जिसमें पता चलता है कि पिकाचू ने ही म्यूटू को लैब से भागने में मदद की थी। तभी वहाँ रोजर आ जाता है और अपने ड्रोन्स की मदद से म्यूटू को कैद कर लेता है। यहाँ पिकाचू उदास हो जाता है कि उसने हैरी को धोखा दिया था और वो जंगल में कहीं भाग जाता है। आगे देखते हैं कि राइम सिटी की 10th एनिवर्सरी पर बैलून्स की परेड हो रही होती है। वहीं पिकाचू हैरी की एक्सीडेंट की जगह जाता है जहाँ उसे सब याद आ जाता है कि हैरी की कार का एक्सीडेंट म्यूटू ने नहीं किया था बल्कि ग्रेनिंजास ने किया था और म्यूटू तो उन्हें वहाँ बचाने आया था। वो समझ जाता है कि इन सब के पीछे होवर्ड का हाथ है और उसने उन्हें पूरी विजुअल नहीं दिखाई थी। वो टिम को बचाने निकल पड़ता है। टिम होवर्ड के ऑफिस पहुँचता है और देखता है कि वहाँ म्यूटू एक चैम्बर में बंद है जिसमें पर्पल गैस भी मौजूद है। होवर्ड एक डिवाइस की मदद से खुद के माइंड को म्यूटू में डाल देता है। यहाँ होवर्ड म्यूटू के शरीर में आ जाता है और टिम को बताता है कि उसी ने उसके पिता को मारने की कोशिश की थी क्योंकि वो उसके प्लान को समझ गया था। आगे वो बताता है कि म्यूटू में किसी भी इंसान को पोकेमोन की बॉडी में डालने की पावर है लेकिन वो ये पावर तभी यूज कर सकता है जब वो अग्रेसिव मूड में हो। यहाँ हमें पर्पल गैस का असली मकसद समझ आता है। टिम समझ जाता है कि परेड में जो बैलून्स हैं उनमें पर्पल गैस भरी हुई है और होवर्ड उसे सब लोगों पर छोड़ना चाहता है ताकि सब लोग पोकेमोन से मर्ज हो जाएं। आगे होवर्ड सब बैलून से गैस छोड़ देता है और देखते ही देखते सब लोग अपने पोकेमोन से मर्ज हो जाते हैं। पिकाचू वहाँ पहुँच जाता है और एक एक करके सभी बैलून्स को ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। होवर्ड जो कि अब म्यूटू के शरीर में है उस पर हमला करता है और उन दोनों की काफी तगड़ी लड़ाई होती है। यहाँ टीम को एक अलमारी में रोजर बंधा हुआ मिलता है लेकिन वो अपने पीछे देखता है कि वहाँ एक और रोजर खड़ा है जो कि असल में होवर्ड का पोकेमोन डिट्टो है और वो किसी का भी रूप ले सकता है। डिट्टो टीम को मारने ही वाला होता है कि तभी असली रोजर आकर उसे बचा लेता है। डिट्टो फिर से हमला करता है और टीम इस बार पर्पल गैस का पाइप उसके मुंह में डाल देता है जिससे वो पिघल जाता है। म्यूटू पिकाचू को ऊपर से नीचे फेंकने वाला होता है कि तभी टीम होवर्ड के सिर से माइंड को कनेक्ट करने वाली मशीन हटा देता है और होवर्ड वापस अपने शरीर में आ जाता है। यहाँ म्यूटू और पिकाचू दोनों नीचे गिर रहे होते हैं। तभी म्यूटू को होश आता है और वो पिकाचू को बचा लेता है। आगे म्यूटू पूरे शहर को पहले जैसा कर देता है और सारे इंसान अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। रोजर अपने पिता की गलती को ठीक करने का वादा करता है और लूसी का प्रमोशन कर देता है। आगे म्यूटू टीम को बताता है कि उसके पिता हमेशा से उसके साथ थे। वो उसे एक होलोग्राफी वीडियो दिखाता है जिसमें पता चलता है कि एक्सीडेंट के वक्त म्यूटू ने टीम के पिता का माइंड पिकाचू में डाल दिया था और उसकी बॉडी को अपने साथ ले गया था ताकि टीम के आने के बाद वो उसे जिंदा कर सके, इसलिए पिकाचू टीम से बात भी कर पा रहा था। आगे ट्रेन स्टेशन का सीन दिखाते हैं जहाँ टीम जा रहा होता है लेकिन तभी वो अपना मन बदल लेता है और अपने पिता के साथ कुछ समय बिताने का फैसला करता है और यही हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।